6 o'clock होने वाले हैं और हम लोग जल्दी निकल गए थे मॉर्निंग में समथिंग 5 o'clock। तो अभी हम लोग पहुंचने वाले हैं माउंट आबू। तो माउंट आबू से जयपुर होके हम लोग दिल्ली जाएंगे और आज नाइट दिल्ली हमारा होल्ड है। बात है अश्विन भाई सोनी उर्फे मामा और ये हमारी दूसरी टीम। आज हम जाएंगे गुजरात से उत्तराखंड। ये है रोड ट्रिप, पूरे 20 घंटे का रास्ता है और 1150 किलोमीटर होते हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे से आप एक दिन का रेस्ट ले सकते हो। हमने गुड़गांव दिल्ली में रेस्ट लिया था, अच्छी होटल मिल गई थी। हम लोग का फर्स्ट डे नाश्ता करने के लिए रुके, अभी हम लोग पहुंच गए राजस्थान। तो अभी पहले मॉर्निंग का नाश्ता करेंगे फिर आगे जाएंगे। और अभी नाश्ता स्टार्ट हो गया है, देखो दिल्ली इधर से 74 किलोमीटर बाकी है और हम लोग चाय नाश्ता करने के लिए रुके। तो ये होटल में हम लोग चाय नाश्ता करेंगे, उसके बाद हम लोग गुड़गांव, दिल्ली से पहले ही एक स्टेशन आएगा उधर ही हम लोग रुक जाएंगे। तो चलो चाय नाश्ता करते हैं। हम लोग गुड़गांव पहुंच गए और ये हमारा रूम है, देख सकते हो। मामू हाय अनिल भाई, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया रूम है और जो चीपेस्ट में मिला है। गुड़गांव में है और ये हमारा होटल है। आज नाइट हम लोगों ने ये होटल में स्टे किया है। तो ये पूरा आपको दिखाता हूँ। हाय हाय, क्या आपका टैरिफ क्या है, ये रेगुलर टैरिफ जैसे लगता है वो? रेगुलर सर हमारा वैसे 2000 है। रेगुलर 2000 है, इंक्लूड ब्रेकफास्ट या इंक्लूड ब्रेकफास्ट? डबल ऑक्यूपेशन। ओके, ये भाई ने बताया कि हम लोग का थोड़ा बजट में चाहिए था, तो हम लोग बजट के हिसाब से और एकदम क्लीन है, सबसे ज़्यादा बेस्ट ये क्लीन है। तो अच्छा मिल गया, हमारा डील भी अच्छा था। तो हम लोगों ने ब्रेकफास्ट नहीं लिया लेकिन उस मॉर्निंग में जल्दी निकलना था उसकी वजह से। तो चलो अभी हम लोग बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं। सुबह के 7 बजने वाले और अभी मैं खड़ा हूँ मेरे होटल पे। हम लोगों ने आज प्लान बनाया है मॉर्निंग में इधर नाश्ता करके सीधा निकल जाएंगे काठगोदाम, और शायद काठगोदाम जल्दी पहुँच जाएंगे तो हम लोग रुकेंगे भीमताल या तो नैनीताल। इधर से कितना टाइम लगता है काठगोदाम पहुँचने मिले उसके ऊपर डिपेंड है कि नाइट स्टे किधर करना है। कल हम लोग नाइट 6 बजे पहुंच गए थे और ये जो होटल का नाम है हेवन गुड़गांव। तो हम लोग रुके थे गुड़गांव में, बहुत बेस्ट डील मिली थी, डबल ऑक्यूपेशन के लिए 1000 और 3 ऑक्यूपेशन के लिए 1500। तो बेस्ट रेट है और इधर क्लीन भी इतना मस्त रूम है। तो आप कभी भी आओ रुको। ये जो बाईपास निकलता है हाईवे एयरपोर्ट वाला, उसके बगल में ही है सेक्टर 31। तो एकदम पास में ही पड़ेगा, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है और कोई भी ट्रैफिक नहीं मिलेगा। तो कभी भी आओ इधर रुको। गाड़ी पैकिंग हो रही है और सफाई भी हो रही है, तो अभी निकलेंगे।
अभी हम लोग गाड़ी में बैठ गए और निकल गए हैं उत्तराखंड के लिए। तो सबसे पहले हम लोग का टारगेट है काठगोदाम, लेकिन उधर जाके मुरादाबाद जाके हम लोग को पता चलेगा कितना टाइम हमारे पास बचा है, उसके हिसाब से आगे का प्लानिंग करेंगे। भीमताल जाएंगे या तो नैनीताल जाएंगे, शायद हमारा नैनीताल का टारगेट है, लेकिन टाइम हमारे पास है नहीं, तो देखते हैं आगे। ओके दोस्तों, अभी हम लोग ने मूड बना लिया है नैनीताल जाने का। तो नैनीताल हमारे से 45 किलोमीटर दूरी पे है, शायद एक घंटे में हम लोग पहुंच जाएंगे, देखेंगे शाम न ढल जाए। चलो, और अभी हम लोग जूस पीने के लिए इधर खड़े हैं, और एक ये फ्रूट का हम लोग जूस बनवाया है, बेल का जूस। क्या नाम है उसका? किसका? ये फल का बेल पत्थर, थोड़ा खिला के दिखा, वैसे दिखा दो। पहाड़ों में चाय पीने की मजा ही और है। मेरे पीछे दिख रहा है वो खुरपातल लेक व्यू पॉइंट है, और अभी हम लोग जाते समय रास्ते में ही पड़ता था तो हम लोग ने एक्सप्लोर कर दिया। अभी हम लोग जा रहे हैं नैनीताल। Thank you.
नैनीताल मतलब नैनी मतलब नयन और ताल मतलब तालाब, नयन जैसे दिखने वाली तालाब। यहाँ देवी सती की आंख भी गिरी थी, तो यहाँ उमा देवी का नैना देवी मंदिर भी है जो 51 शक्तिपीठों में भी गिनती होती है। नैनीताल समर में घूमने के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, लेकिन सर्दियों में दिसंबर से लेकर फरवरी तक बहुत स्नोफॉल की वजह से टेम्परेचर -4 तक हो जाता है। यह शहर ट्रैवल हिस्ट्री में सबसे बिजी रहने वाला शहर है। और भी आसपास बहुत सारी जिले बनी है, तो इसे तालों का शहर भी कहते हैं। ओके दोस्तों, ये देखो सुबह सुबह क्या चल रहा है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विजय भाई, अनिल भाई, विजय भाई एंड रश्मि भाई। एडी घड़ी बार पता ही आग ना है बोली। ये हमारा रूम था, देखो बैचलर रूम। ये पूरा बाहर का नजारा। कोई हो? अभी हम चेकआउट करके निकल रहे हैं। ओ सजी, हाँ जा रहे हो? हाँ। ओके दोस्तों, अभी चाय नाश्ता करेंगे। दोस्तों आप नैनीताल में जून जुलाई में कभी मत आओ, क्योंकि जून जुलाई में इतनी भीड़ रहती है। कल हम लोग को 1 किलोमीटर में 2 से 2.5 घंटा लग गया। पार्किंग की भी इतनी फैसिलिटी नहीं है, जितनी भी होटल है वो सब ढलान पे है, तो पार्किंग करना भी बहुत दिक्कत है। तो पार्किंग भी 1 किलोमीटर आगे रखना है, फिर उधर से चल के फिर होटल में आना है। और एकदम थर्ड क्लास होटल का भी रेट 3,000-4,000 तो बहुत हाई रहता है, और बिन सीजन में सिर्फ वही होटल 1,000 में मिल जाती है। तो अभी ये सीज़न में कभी मत आओ। एक दूसरा, मानसून में भी इधर बहुत भीड़ रहता है, तो मानसून में भी नहीं आओ। थोड़ा कम भीड़ रहेगा तो एक्सप्लोर करने की मज़ा बहुत आएगी। अभी क्या होता है, भीड़ भी रहेगी, खाने पीने में भी, रूम में भी, तो आप इतना एंजॉय नहीं कर सकोगे। इधर शायद खेलकूद का ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया जाता है लगता है, क्योंकि पार्किंग बहुत कम कर दिया है और ये पूरा जो ग्राउंड है वो बहुत बड़ा है, लोगों ने दिया है। पार्किंग नहीं होने के बावजूद भी ये लोगों ने अपना इसको नहीं काम ठीक किया, ग्राउंड को कम नहीं किया है। अपनी गाड़ी यहीं पड़ी है। अभी
मैं बोटिंग में आ गया हूँ और बोट स्टार्ट होने वाली है हमारी जर्नी। हम लोग नज़दीक 160 वाला ही लिया क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था उसकी वजह से, क्योंकि हम लोग को आगे निकलना है बांध की तरफ। तो साइड में उतर चलो। ओके दोस्तों, अभी हम नैनी लेक में हैं और सुबह के 7 बज गए, स्टार्ट हो गया है बोटिंग का। बहुत मजा आ रहा है क्योंकि दोनों वादियों के बीचों बीच ये लेक बना हुआ है। तो अभी हम लोग विजय बहुत मजा आ रहा है झील में, बहुत एकदम बढ़िया सा आनंद। नैनीताल की खूबसूरत हवा, वादियाँ, बस यह अच्छा लग रहा है कि हम यहीं बस जाए। सुबह सुबह में ये झील की जो मजा है, देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में 8 से 5 से 7 साल के बाद यहीं रुकने वाला बस। और लोग नैनीताल से निकल गए और जा रहे हैं वान की ओर। समथिंग हमारा 210 किलोमीटर्स का रास्ता है और 8 घंटे का गूगल बता रहा है, लेकिन पहाड़ी वाला रास्ता है तो मिनिमम 10 घंटे का ट्रैवलिंग है आज। तो अभी जाएंगे, पहले नाश्ता करेंगे, उसके बाद आगे निकलेंगे।
एक और गाड़ी हमारे साथ थी तो वो भी हमारे साथ आने वाली है, अभी वो लोग भी रेस्ट करने के लिए खड़े हैं। चलते हैं, हम लोग तो चलते हैं, फिर वो पीछे पीछे आती है। नैनीताल से 100 किलोमीटर आगे पड़ता है अल्मोड़ा, जो एक बेहद खूबसूरत शहर है। इसकी वादियां मानो स्विट्जरलैंड में ही हो ऐसी लगती है। अल्मोड़ा से 53 किलोमीटर पे कौसानी शहर है, वो भी पहाड़ी नजारों के लिए बहुत ही अच्छी चॉइस है। मेरे पीछे दिख रहे हो पूरा ग्रीन नेट जैसे बिछाया हुआ ऐसा, ये है अल्मोड़ा। अल्मोड़ा, रानीखेत, कौसानी, ये एकदम उत्तराखंड की बेस्ट मीन्स लोकेशन में आते हैं। तो अभी हम लोग खड़े हैं अल्मोड़ा में, देखो पीछे पूरा।